चलो देखो, सवाल नंबर 27, प्रश्नावली 7 जे कह रहा है। सवाल एकदम आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, उसके बाद डीएक्स हो गया। तो बराबर देखो ध्यान से, ये दो पद एक साथ करो, दो पद एक साथ करो, दो दो में से कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा? पहले दोनों में से क्या कॉमन होगा? कुछ नहीं, तो एक कॉमन होगा, तो अंदर बचेगा वन प्लस एक्स, और इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा जी? एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अंदर? फिर वन प्लस एक्स, उसके बाद डीएक्स। तो समाकलन वन अपॉन एक में बच गया तुम्हारा वन प्लस एक्स, और दूसरे में बन गया वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। दो गुणनखंड मिल गया, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ दो, हो जाएगा खत्म का, हो गया ना? ऐसा सवाल तो लगाए हुए हो, लग जाएगा, बताना पड़ेगा। नोट कर लो, क्या बताया था पूरा ये बता दे इसको। इसको नहीं समझ में आया बोलो, बता देते हैं पूरा, बाद में मत कहना नहीं बताया गया। 6-7 साल ये सवाल पूछा गया। चलो देखो, अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो केवल इसी को पकड़ना है, वन अपॉन एक्स प्लस वन, और फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसके बाद डीएक्स, हो गया ना? डीएक्स मिल रहा है। अब इसको आंशिक भिन्न में जब तोड़ना है हमें, तो इसके बराबर लिखना होगा, एक बारी पहला गुणनखंड और एक बारी दूसरा गुणनखंड। पहला गुणनखंड एक घातीय है, इसलिए एक अचर पद का प्रयोग करेंगे। दूसरा गुणनखंड तुम्हारा द्विघाती है, इसलिए दो अचर पद का प्रयोग करेंगे, और एक में क्या लगा देंगे? x लगा देंगे, हो गया। अब इसको हल करो, पहले इधर लिखते रहो x प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऊपर एक बराबर, इधर लसा ले लो, क्या लसा लिया जाएगा? x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसके बाद ऊपर बचा a, इसके नीचे वाला x प्लस वन हटा दो, तो किसका गुणा होगा इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वन का, और फिर है b, इसके में कुछ किया बी एक्स प्लस किया ना, बी एक्स प्लस सी, इसमें गुणा होगा तुम्हारा किसका? एक्स प्लस वन का, हो गया ना? तो अब देखो, ये तो कट गया, इधर एक बचा है, बचा रहने दो, उसके बाद ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, उसके बाद प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर होगा ना, और प्लस बी एक्स, और प्लस सी एक्स प्लस सी। तो अभी ये सी ध्यान दो, अभी तो एक ही रहने दो, तब बता रहे, इसमें ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स स्क्वायर को एक साथ करो, बी एक्स और सी एक्स को एक साथ करो, और ए और सी को एक साथ करो। तुम देख क्या रहे हो, इसमें एक तो दो घात वाला मिल रहा है, एक तो एक घात वाला मिल रहा है, और एक तो अचर पद मिल रहा है। हमारे पास खाली इधर अचर पद ही है, न तो दो घात है न तो एक घात है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो घात और एक घात अपने मन से लगाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको? जीरो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस जीरो एक्स लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे जी? एक बराबर, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया?
ए प्लस बी बच गया ना, दूसरे दोनों में से एक कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, बी प्लस सी बच गया, और लास्ट वाले को तो ऐसे ही रहने दो, ए प्लस सी। समान घातों की तुलना होगा ना, वही वाला तुलना करना है। तो पहला नंबर किसकी तुलना किससे होगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब तुम्हें समझ में आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अर्थात इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है और इधर क्या है, ए प्लस बी, या कहें तो ए प्लस बी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा नंबर फिर 0 बराबर क्या मिला जी, डायरेक्ट कर दें, बी प्लस सी, ये वाला लिख रहा है, ये लिख देते हैं पहले। एक्स का गुणांक बराबर एक्स का गुणांक क्या होगा, 0 बराबर बी प्लस सी या बी प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। एक मिनट, फर्स्ट को बेचारे को यही मानना था, ये सेकंड रहेगा और ये थर्ड रहेगा, नोट करो जब देखते हैं आगे। अब लिखोगे तीसरा नंबर, अचर पद बराबर अचर पद क्या हो जाएगा, इधर एक है और इधर ए प्लस सी है, तो इधर ए प्लस सी बराबर एक, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो दो तीन और चार को हल करो, ए बी सी का मान निकालो, तो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें दो को हल करने पर हमको मान मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम किसी दो को पकड़ के हल करो, वो तीसरे के बराबर हो जाएगा, मतलब तीसरे की तरह हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, बराबर होगा कट जाए। देखो दूसरे और तीसरे को हल कर दे तो बी से बी कट जाएगा, ए और सी बचेगा, तीसरे में भी ए और सी चौथे में, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, समीकरण 2 प्लस करें माइनस, प्लस करेंगे माइनस करेंगे माइनस तभी कटेगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, तो ए प्लस बी बराबर 0 और बी प्लस सी बराबर 0, दोनों 0 है, माइनस ये भी क्या माइनस। अब देखो बी से बी कट गया, बचा क्या जी, ए माइनस सी बराबर 0, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 प्लस 5 की माइनस 5, प्लस 5 क्योंकि सी का चिन्ह विपरीत हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, सवाल खाली दिखने में छोटा था बस, ए प्लस सी बराबर 1, ए माइनस सी बराबर 0, इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2a इक्वल क्या बचेगा 1 बचा, तो a बराबर क्या बचेगा जी, 1/2 हो गया। अब क्या किया जाए, a का मान इसी समीकरण में रखो, आप ए का मान समीकरण 3 में हो गया, तो ए प्लस सी बराबर 1 है ना, है 4 में रखना है,
हो गया ए प्लस सी बराबर एक, तो ए का मान है एक बट्टे दो प्लस सी बराबर एक, तो सी बराबर एक माइनस एक बट्टे दो, दो लसा लिए तो दो माइनस एक, सी बराबर एक बट्टे दो, अभी सी भी मिल गया एक बट्टे दो। अब क्या करना है, सी का मान कहां रख दिया जाए, समीकरण तीन में, बी प्लस सी था बराबर जीरो, तो बी प्लस सी का मान एक बट्टे दो बराबर जीरो, तो बी बराबर माइनस एक बट्टे दो, हो गया। नोट करो, सब मान मिल चुका है, इसको रखना है और हल कर देना है। चलो देखो, लिखेंगे ए बी व सी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो रखो समीकरण एक में, समीकरण एक कुछ इस तरह से था एक बट्टे एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन बात नहीं बराबर कितना था, ए बट्टे था ना, तो ए का मान एक बट्टे दो बट्टे एक्स प्लस वन, और फिर प्लस बी, बी का मान क्या था माइनस एक बट्टे दो
और प्लस टी का मान था 1/2 और बट्टे यक्स स्क्वायर प्लस क्या है 1। अभी ध्यान से देखो क्या करना है इसमें, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 1/2 इंटू 1/x+1 लिख सकते हो, और इसमें देखो इसको पहले ऐसे लिख सकते हो 1/2x/x2+1 और फिर प्लस 1/2x2+1। कोई गलती? अलग अलग तोड़ दिए जी इसको अंश बट्टे घर में हो गया, तो 1/2 और फिर 1/x+1 और उसके बाद देखो माइनस 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा ना, माइनस 1/2 और ये यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, और फिर प्लस इसमें 1/2 बाहर 1/x² + 1 समाकलन लगा दिया जाए तो 1/2 इसका बाहर रहेगा समाकलन 1/x+1 का ds होगा ना। उसके बाद देखो क्या करना है, अब माइनस 1/2 इसमें बाहर समाकलन x/x² + 1 का ds हो गया, और प्लस 1/2 बाहर समाकलन 1/1x² का ds। दिख गया सब सीधे सीधे? अब क्या दिखा, 1/x+1 का समाकलन होगा log बट्टे ये log x+1, इसमें क्या करना होगा, मानक मानना होगा प्रतिस्थापन विधि। क्यों जी? क्योंकि x स्क्वायर का अवकलन x सवाल में मौजूद है, तो x स्क्वायर प्लस 1 को पूरा ये मानक मान लेना हो जाएगा, और यहां पर किसका बना tan इनवर्स x का सीधे सीधे हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब आगे मानक मानेंगे, देखो बीच वाले के लिए मानक मानना है तो बीच वाले में ऐसे नीचे तीर लगा देना, अब उसके बाद लिखना है मानक x² + 1 = t, तो डी डी एक्स ऑफ x² + dx(1) = डी टी डी एक्स, घात आगे आएगी घात में से घटेगा इसका 0 = डी टी डी एक्स हो गया ना। तो x को रोको या पूरे को पकड़ ले, नहीं तो एक बार तो पास में करना ही पड़ेगा, सीधे सीधे कर दो, डी एक्स को इधर भेज दो, 2x को उसके नीचे भेज दो, तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन क्या हो जाएगा 2x। तो मान रखो अब बराबर देखो 1/2 समाकलन बात ही 1/x+1 माइनस 1/2 समाकलन, इसको x रखो और नीचे वाले को तो हमने t मान ही लिया है, और dx की जगह क्या रखना था dt/2x, देखो x से x कट गया, उसके बाद क्या बचा प्लस 1/2 समाकलन 1/1x²dx। हंसी बहुत आ रही है तुम लोग को, प्रसाद लेने वाला काम मत करो। 1/2 यहां पर इसका समाकलन क्या होगा log x+1 और माइनस 1/2, यहां पे समाकलन पहले लिखोगे 1/t dt और प्लस 1/2 इसका समाकलन सीधा सीधा tan इनवर्स x। अभी 2 भी है ना उसमें, 2 × 2, तो इधर देखो 1/2 या नीचे की लिखना था, अभी क्या लिखना था लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है, मारेंगे तो टूट जाएगा हो गया। अब देखो क्या करोगे, देखो 1/2 log x+1 माइनस 1/4 log t और प्लस 1/2 tan इनवर्स x+t, अब t का मान रख देना तुम लोग, अब t का मान क्या रखोगे x² + 1। सवाल देखने का छोटा है,
और कोई सवाल पूछना है?